तारीख शाहिद है गद्दारी खून में होती है और नस्ल दर झूठ नहीं बोलती कयाम पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अवामी रेफरेंडम करवाने का फैसला किया गया जिसमें अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान के साथ इलाहा को तरजीह दी बलुचिस्तान में अलबत् गुरु ने यह असूल अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि बलुचिस्तान आजाद हैसीयत में कायम रहे ताकि बर सगीर से इन खिला के फौरी बाद अंग्रेज अपनी गवर्नस वहां मुंतकिल कर दे और फिर वहां बैठकर कर बतदरीज खत्ते का कंट्रोल दोबारा हासिल कर सके चुनाव से बलुचि में अवमी रेफरेंडम की बजाय वहां शाही के शाही जरगे के अक्सरियती वोट की बिना पर फैसला करने का ऐलान कर दिया गया ये नहाय हसास मामला था अगर शाही जरगा इलाहा पाकिस्तान से इनकार कर देता तो पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजिशन बहुत कमजोर हो जाती शाही जर्गे के मुतालिक बलोचिस्तान के कुछ इलाके बशमूल कोटा पश्तीन तो बरतानवी रियासत के जेर इंतजाम थे लेकिन दूसरे इलाके बशमूल रियासत कलात रियासत खारान रियासत मकरान रियासत लसबेला वगैरह आजाद हुआ करते थे बलोचिस्तान के मामला चलाने के लिए अंग्रेज ने इन, इन इलाकों के कबायली सरदारों पर मुश्तमिल जरगा बना रखा था जिसे शाही जरगा कहा जाता था जिसका सदर एजेंट फैसला हुआ, तो और अंग्रेजों को इतमान हो चुका था कि जर्गे का अक्सरियती फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक आएगा यह सूरत हाल चंद कबायली लीडरों के लिए काबिल कबूल न थी क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ इलाहा चाहते थे उस वक्त काकड़ कबीले के सरबरा नवाब मोहम्मद खान जोगेजई आगे बढ़े और उन्होंने अपने हम ख्याल कबाली लीडरों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के हक में मुहिम शुरू कर दी दूसरी तरफ अब्दुल समद अचकजई बबांग दोहल कांग्रेस की हिमायत में सामने आ गए और कयाम पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए लॉबिंग शुरू कर दी नवाब जोगेजई का साथ देने के लिए जमाली कबीले के मीर जाफर खान जमाली आगे आए और उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में कैंपेन शुरू कर दी दूसरी तरफ अचकज़ई ने जिरगे के सरदारों से कहना शुरू कर दिया कि अगर पाकिस्तान के साथ नहीं जाते तो हिंदुस्तान की को फील फॉर करोड़ रुपए नकद और सालाना साढ़े चार करोड़ रुपए बतौर स्पोर्ट फंड दिया करेगी इतनी पुरकशे सुनकर बहुत से सरदारों का फैसला डगमगा सकता था चुनाचे नवाब जोगेजई और नवाब जमाली ने भरपूर कैंपेन शुरू की और हर सरदार के पास जाकर कयाम पाकिस्तान के हक में वोट देने की सिफारिश करना शुरू कर दी जिस वक्त नवाब जोगे जई जमाली और नसीम हिजाजी जैसे लोग शाही जर्गे के अरकान को पाकिस्तान के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे थे ऐन उसी वक्त मुस्लिम लीग बलोचिस्तान के सूबाई सदर ने शाही जर्गे के सदर एजेंट गवर्नर जनरल से अपील की कि शाही जर्गे से कलात काकड़ और जमायली कबायल के सरदारों को निकाल दिया जाए ये मुतालबा हैरानक था क्योंकि अगर इन सरदारों को निकाल दिया जाता तो फिर कयाम पाकिस्तान के हक में वोट डालने वाला कोई ना रहता रेफरेंडम की तारीख उनतीस जून को तय हुई थी और उस वक्त तक नवाब जोगेजई अपने साथ अच्छी खासी हिमायत इकट्ठी कर चुके थे लेकिन बलुचिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर की दरखास्त का जायजा लेने के लिए शाही जरगा सदर ने 28 जून की रात ऐलान कर दिया कि 29 जून के ऐलान में सिर्फ बायसराय का पैगाम पढ़कर सुनाया जाएगा और वोट 3 जुलाई को डाला जाएगा इसका मकसद यह था कि अगले चंद दिनों के अंदर जरगे की कंपोजिशन तब्दील की जा सके नवाब जो किई नसीम हिजाजी और जमाली को साजिश की भिनक पड़ चुकी थी और वो इस तमाम तर मामले को किसी न किसी हद तक जान चुके थे चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि अगले दिन वायसराय का पैगाम पढ़ने के फौरन सब कबायली सरदार खड़े होकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर देंगे अगले दिन 29 जून को इजलास शुरू हुआ वायस राय का पैगाम पढ़ा गया और इसके फौरन बाद बादजई जमाली काकड़ और दूसरे कबाइल के सरदारान अपनी जगह से खड़े हुए और पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया ये आम बात नहीं थी पैंसठ के जरगे में 40 से ज्यादा सरदारान ने जब ये ऐलान कर दिया तो फिर तीन जुलाई के इजलास की अहमियत खत्म हो गई और यूं अल्लाह की मेहरबानी से बलुचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया जानना चाहेंगे कि मुस्लिम लीग बलोचिस्तान का सूबाई सदर कौन था जिसने शाही जरगे से पाकिस्तान के हामी सरदारों को निकालने की सिफारिश की उसका नाम काजी ईसा था जो कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज काजी फायज ईसा के वालदे ग्रामी थे जी हाँ वही काजी फ़ायज़ ईसा के जिसके बारे में कहा जाता है कि वो वह के पाकिस्तान के फर्जंद का बेटा है दर हकीकत काजी ईसा एक खुद प्रस्त और अना शख्स था जिसने अपनी जतीी ख्वाहिशात की वजह से पूरे बलोचिस्तान की शमूलियत खतरे में डाल दी थी आज उसके बेटे ने महज तीन अरब रिश्वत लेकर मुल्क को पांच सौ अरब का नुकसान दिया और इससे बढ़कर मुल्क के अदालती निजाम की साख पर ऐसा काला टीका लगाया जो शायद सदियों तक मिट ना सके सच कहते हैं गद्दारी खून में होती है ऊपर बयान किए गए वाक्यात तारीख का हिस्सा हैं आखिर में सलाम उन बलोस लीडर्स को जिन्होंने उन्नीस में करोड़ों की ऑफर्स ठुकरा पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया काजीसा उन ब्लोच और पख्तून लीडरों की धूल के बराबर भी रहीं कयूम निजामी की किताब कायद आजम बहसीत गवर्नर जनरल से इकतबास